फ्रेंड्स वेलकम टू डॉग ज़रा। जैसा कि मैंने कहा था, आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, एनी गेसेस कि कौन सी ब्रीड है ये? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने इस ब्रीड को देखा नहीं होगा आम तौर पे। तो फ्रेंड्स आइए, हम इस एपिसोड में पूरा हम इसी जो डिफरेंट सी ब्रीड लग रही है इसके बारे में ही हम बताने जा रहे हैं आपको। फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल डॉग ज़रा। मैं शत्रुघ्न दुबे। आज हम इस एपिसोड में आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रीड जो कि पेकनीज है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और हमारे बीच आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पेकनीज ब्रीडर मिस्टर केशव महापात्रा जी हैं। तो हम आज उनसे जो है इस ब्रीड के बारे में सारी जानकारी लेंगे। केशव जी जो है कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड उनका कैनल है और ये ब्रीड जो है ये काफ़ी टाइम से रख रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं केशव जी से। केशव, थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो है मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपने यही ब्रीड क्यों सेलेक्ट की। सबसे पहले मैं दुबे सर का वेलकम करता हूँ कि सर ने थोड़ा टाइम निकाला और आज पेकनीज को कवर करा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम केशव चंदन महापात्र एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड बेस्ड इन भुवनेश्वर एंड दिल्ली, हम कह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने इधर और 6 महीने इधर रहता हूँ। और रही बात पेकनीज की, तो सर पेकनीज मेरा रखने का रीज़न एक ये है कि इसको मेरे को आजकल नहीं, इट विल टेक अराउंड 20 से 22 साल हो गए हैं मेरे को पेकनीज रखते हुए। और ये मेरा लव नहीं है, ये मेरा पैशन है। पेकनीज जो है ये मेरा पैशन है। इसको फर्स्ट टाइम मैं जब खुद स्कूल टाइम में था तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस ब्रीड को रखा और अपने फादर के साथ मैं गया था, लेके आया। और तब से मेरे को इस ब्रीड का इंटरेस्ट रहा, काफ़ी शौक़ रहा। फिर देखते देखते मेरे को ब्रीड के बारे में पता चला कि क्या क्वालिटी है, कैसे इसको मेंटेन करना है, क्या स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में है, क्या स्टैंडर्ड अब्रॉड में है। तो मेरा एक पैशन था कि यार पेकनीज मेरे पास जो है वो तो इतने बड़े बाल नहीं हैं, इतना गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन मैं जो इंटरनेट में देखता हूँ, जो अब्रॉड में देखता हूँ, वो दिखने में इतने खूबसूरत होते हैं, इतने प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होते हैं। क्योंकि जो भी लॉन्ग कोट ब्रीड को देखता है तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर सबका एक क्वेश्चन होता है कि भैया कौन सा शैम्पू लगाते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि शैम्पू लगाने से बाल बड़े नहीं हो जाते, इसके पीछे पूरा डेडिकेशन होता है, बहुत मेहनत होती है। और जो इस ब्रीड के लिए, खाली इस ब्रीड के लिए नहीं, एनी लॉन्ग कोट ब्रीड इन इंडिया, तो हम उस चीज़ के लिए, जब तक हमें उस चीज़ का पैशन नहीं रहेगा, ग्रूमिंग का पैशन नहीं रहेगा, ब्रीड का पैशन नहीं रहेगा, जब तक हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो इस ब्रीड से मेरे को यही है, इस ब्रीड से मेरा ये ब्रीड लव जो है मेरा 20-22 साल पुराना ब्रीड लव है ये। और उससे पहले, सॉरी, क्योंकि उससे पहले मैं स्कूल टाइम पे ऑलरेडी मैं पेकनीज रख चुका था। फिर धीरे 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 करके क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करा, कुछ स्टैंडर्ड को पता चला कि क्या स्टैंडर्ड मेरे को कैसे, कहाँ से मेरे को अच्छा ब्लड लाइन कैसे मिलेगा। फिर कोशिश करते हुए फिर आज मैं KCI कैनल क्लब से भी मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कैनल जो रजिस्टर्ड है, नेम ऑफ प्रीफिक्स जो है मेरा केशात्राज, केशात्राज जो है वो मेरा इनिशियल नेम है, KESH एंड महापात्रा का ATRAS। तो मैंने दोनों को ज्वाइन करके केशात्राज इसका नाम रखा। जी तो
बड़ा जान के खुशी हुई, क्योंकि देखिए एक तो पहले ये ब्रीड इतना कॉमन नहीं है जी। लेकिन हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम एक आज एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं जो कि पिछले 20-25 साल से इस ब्रीड को रखे हुए हैं जी। तो मेरे ख्याल से आपसे बेहतर जो है ना इस ब्रीड के बारे में कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी ब्रीड को ओन करके उसको नहीं रखते हैं तब तक हम उसके बारे में ज़्यादा जो है ना वो नहीं जान पाते हैं जी। तो थोड़ा सा हमको ये बताइए कि इसमें क्या क्या रख रखाव में जो है ध्यान रखना पड़ता है इस ब्रीड के लिए। देखिए सर, ये पिकनीज जो है ये कम्प्लीटली इंडोर डॉग है और ये आता है KCA के अकॉर्डिंग ग्रुप 9, जिसको हम टॉय ग्रुप बोलते हैं टॉय ब्रीड में। इसी की तरह और भी काफ़ी सारे ग्रुप 9 में ब्रीड्स हैं, दे ऑल आर इंडोर डॉग्स। कई लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में सर्वाइव कैसे करेगा, गर्मी है। तो मैं आप सबके लिए एक चीज़ बता दूं कि कोई भी लॉन्ग कोट ब्रीड को हम फार्म पे नहीं रखेंगे ओपन में। ये सारे के सारे डॉग इंडोर, जैसे आपको गर्मी लगती है आपको एसी चाहिए, ऐसी इनको भी गर्मी लगती है इनको भी एसी एयर कंडीशन चाहिए। तो हमने कभी भी इसको ऐसा नहीं, क्योंकि ये हमारे फैमिली की तरह है, फैमिली मेम्बर है। घर के अंदर इंडोर बेड पे सोफे पे इनके लिए सेपरेट रूम्स होते हैं जो कि 24 आवर जिसमें एसी चलता है, और उस हिसाब से इनको रखना कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है कि हमें डिफ़िकल्टी आए कि हम इसको रखने में हमें इंडिया में डिफ़िकल्टी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। कई लोग बोलते हैं कि लॉन्ग कोट को आप इंडिया में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, हम भी तो रहते हैं ना, हम भी तो धूप में अननेसेसरी वॉक करने नहीं जाएंगे, हमें पता है कि किस टाइम पे क्या क्या ज़रूरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। लाइक ये पिकनीज हो, शिज़ू हो, मॉल्टीज हो, यॉर्कशायर हो, एनी लॉन्ग कोट ब्रीड इन इंडिया, तो आप सबको, सारे के सारे इंडोर डॉग्स ही हैं ये, तो आप इनको आराम से रख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और प्रॉपरली अगर आप वेल मेंटेन रखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लॉन्ग कोट ब्रीड जो है उनको थोड़ा सा इंडोर ब्रीड नेचुरली, क्योंकि बाल बड़ा है तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती है जी। तो थोड़ा सा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है लॉन्ग कोट ब्रीड में, उनके लंबे बालों को मेंटेनेंस का उनका चैलेंज होता है जी। तो थोड़ा सा आप बताइए कि इसको पेकनीज को आपने बहुत अच्छे कंडीशन में रखा हुआ जी, तो जबकि ये अभी काफ़ी गर्मी का टाइम है, काफ़ी ह्यूमिड वेदर है, तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा सा कोट केयर के बारे में बताइए सर। इनको कोट केयर में सबसे ज़रूरी जो इनको इम्पॉर्टेंट है वो है वेदर, क्लाइमेट। मैं इसको हमेशा एसी में रखता हूँ, तो एसी में रहता है, खेलता कूदता रहता है वहाँ पे, आराम से वहीं पे रहता है। जितना ठंड में रहेगा इतना अच्छा कोट इनका मेंटेन रहेगा, प्लस एक अच्छा प्रीमियम फूड। आई एम नॉट स्टक विद एनी स्पेसिफिक ब्रांड, बट मैं चेंज करता रहता हूँ बीच बीच में। तो कोई भी अच्छा फूड आप यूज़ करें, अच्छा सप्लीमेंट्स यूज़ करें और रेगुलर ब्रशिंग, यही तीन चीज़ है, आपका डॉग मेंटेन रहेगा। अच्छा, इनको ब्रशिंग को लेके कोई पर्टिकुलर टेक्निक है कैसे इनको? थोड़ा लाइटली हम अगर ब्रशिंग की बात करें तो जैसे कि इनको सपोज ये ब्रश है, तो कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन नहीं पता तो बहुत हार्श यूज़ करते हैं, इनको बिल्कुल सॉफ्टली। अब जैसे ये देखिए, ये रेगुलर मेंटेन है तो इनके नॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप जहाँ से भी चाहें इसको आराम से इसको ब्रशिंग कर सकते हैं ईजीली। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इनको इजीली हल्के हल्के हाथ से इनको ब्रशिंग करके रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इनके लिए कोट कंडीशनिंग स्प्रे होता है, जो कि हम स्प्रे मॉइस्चर यूज़ करके ही इनको ब्रशिंग कराते हैं, कभी भी ड्राई हेयर पे इसको ब्रशिंग नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा हम इसको मॉइस्चर करने के बाद तो ईजिली आप इसको ब्रशिंग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस ब्रीड के लिए कि पहला एक तो एसी चाहिए जी, एक कूल एनवायरनमेंट, कूल एनवायरनमेंट, क्योंकि जब तक आप उसको कूल एनवायरनमेंट या एसी नहीं देंगे जी वो जो है ना अपना कोट आएगा नहीं, आएगी उसकी जो है अच्छे से मेंटेन जी। दूसरा नेचुरली कोई भी जो हेल्थ या वेलबींग जो है ना वो अच्छे डाइट या फूड से होता है जी, तो अच्छा फूड सप्लीमेंट, फूड और साथ में एड ऑन सप्लीमेंट्स, हेयर कोट सप्लीमेंट, मल्टी विटामिन्स, ये रेगुलर चलता रहेगा। और रेगुलर ब्रशिंग इज़ मस्ट। रेगुलर ब्रशिंग रहेगा तो कोट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, कोट अच्छा आएगा, डेड कोट निकल जाएगा रेगुलर। तो उसमें क्या मतलब, रोज एक बार ब्रश करना चाहिए, दिन में एक बार। अगर सम टाइम अगर आप नहीं कर पाए, किसी बिजी हो शेड्यूल आपका नहीं कर पाए, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि दो दिन में बाल खराब हो जाएंगे। कई बार दो दिन भी हो जाता है, कई बार तीन दिन भी हो जाता है। आप इसको अच्छा कोट कंडीशनिंग स्प्रे जब हम यूज़ करते हैं तो स्प्रे कर देने से क्या है ना, वो एक लेयर बना देता है कोट में, तो वो लेयर बनाने के बाद हम जब ब्रशिंग करते हैं तो कोट को ख़राब होने से बचाता है, तो वो उसमें सपोर्ट करता है कोट के लिए।
आपने इसको घर में रखा है, इंडोर है नेचुरली, वो फैमिली में जी जी जी, तो कितना सेफ है ये ब्रीड ना फैमिली में रखने के लिए? सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल सेफ है, जितना आप सोच सकते हैं बिल्कुल इतना ही सेफ है। आप कंपेरेटिवली किसी भी ब्रीड्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि बहुत, एक तो बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है। अगर हम टॉय ब्रीड की बात करें तो टॉय ब्रीड में ये बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड है। कई और इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वॉच डॉग भी, कई बार कोई थर्ड पर्सन को कोई घर में इतनी जल्दी इजीली एंट्री करने नहीं देगा ये ब्रीड। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आपने बताया जी, ये एक अच्छा हाउस डॉग है और इंडोर ब्रीड है, बट एक बहुत अच्छा वॉच डॉग भी बहुत अच्छा है। ये एक बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट बहुत है। टॉय ब्रीड में अगर आप कंपेरिजन करें तो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट ब्रीड है ये। जी हमने देखा इंटरनेशनली भी बहुत अच्छे और बड़े शोज में भी जी इस ब्रीड ने विन किया है जी, वेस्ट मिनिस्टर हो चाहे कोई भी बड़े शो को आप ले लें जी। तो आपने भी इसको, मैंने देखा है हर शो में आपके साथ आपसे मुलाकात होती जी है सर, आपने टॉय ग्रुप में इसको काफी अग्रेसिवली शो किया जी जी, तो जी थोड़ा सा आप अपने कुछ अच्छी विनिंग्स जो आपने इम्पोर्टेंट रही है जी, आपको अभी भी आपकी यादों में है जी, थोड़ा सा बताइए कि आपकी क्या विनिंग्स हैं। सर ये जो मेरा डॉग है इसका नाम है केशात्राज किंग। इसका फादर हिज बेस्ट इन शो इंडियन चैम्पियन सनराइज ड्रैगन ओडी सनशाइन उसका नाम था, जो कि अभी नहीं है मेरे बीच, इसी का फादर, सेम लुक लाइक। उसकी विनिंग मेरी इतनी, उसके साथ मेरी जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, मैंने उसको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया उसको शो करा जहाँ तक पॉसिबल था मेरे लिए शो करना, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता था कि थोड़ा वेदर और शो के लिए। तो उसके साथ मैंने बेस्ट इन शो, रिजर्व बेस्ट इन शो, थर्ड बेस्ट इन शो, फोर्थ बेस्ट इन शो, फिफ्थ बेस्ट इन शो, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, मैंने सब विन किया है अपने। ये ड्रीम विनिंग्स है, ड्रीम विनिंग्स है, ही इज़ अ मल्टीपल लाइनअप विनर डॉग। और टॉय ग्रुप क्योंकि इंडिया में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे साथ बैठे हुए हैं पग सर के पास, क्योंकि पग एक जी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जी सर। उसमें जो है आपका माल्टीज भी होता जी, है, शिज़ू है, शिज़ू है, शिज़ू जी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें एक पेकनीज को विन करना जी जो है ये शो करता है कि मतलब एक तो क्वालिटी ऑफ द ब्रीड, क्वालिटी ऑफ द ब्रीड हाई है एग्जैक्टली, और दूसरा उसका जो है केयर, उसकी ट्रेनिंग जी, और उसका जो पीछे जो ओनर है जी, उसका जो होमवर्क है वो जो है ये रिजल्ट पे बहुत इम्पोर्टेंट हाथ होता है उसके ओनर का जी जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशी हुई जान के कि इस ब्रीड को भी लेके, क्योंकि लोगों के बीच में नॉर्मली एक रिजर्वेशन होता है कि पता नहीं ये ब्रीड कैसे करेगी शोज में, बट आप एक लाइव एग्जांपल हो कि आप कोई भी ब्रीड लें लेकिन आप उसकी क्वालिटी, उसके जेनेटिक्स स्टैंडर्ड को लेके, उसके बारे में जान के आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर करके शो में जाइए, तो कोई भी शो आप विन कर सकते हैं जी। थोड़ा सा ये बताइए कि इसके ब्रीडिंग को लेके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पिकनीज को? सर मैंने काफ़ी ब्रीड किया है लेकिन चैलेंजेस सच एज ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मली कोई मेरे को आज तक कभी ऐसी डिफ़िकल्टीज नहीं आई, बट हाँ कई बार सीजेरियन का सिचुएशन किसी भी ब्रीड के साथ हो सकता है, चाहे वो बड़ी ब्रीड लाइक लेब्राडोर जैसी ब्रीड हो या चिवावा जैसी ब्रीड हो, किसी के साथ भी ये हमें सीजेरियन वगैरह का इशू हो सकता है। अदरवाइज ब्रीड में कोई स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है, ब्रीडिंग में कोई ब्रीडिंग कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका, हम इजीली आप इसको ब्रीड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैंने सुना है कि अभी आपके यहाँ भी एक लिटर हुआ है जी सर जी, उसमें ही मेरे पास अभी अपने व्यूअर्स को भी वो पपी दिखाएंगे, वो छोटा है पपी अभी, इज अराउंड 17 डेज ओल्ड और ओनली वन पपी इन अ लिटर, सिंगल टन ओनली, एक ही पपी है, तो बड़ा स्पेशल पपी है डेफिनेटली। कॉम्बिनेशन बताइए सर, उसके पेरेंट्स, वो भी उसके पेरेंट्स दोनों के दोनों यूक्रेन इंपोर्ट हैं, मेल फीमेल बोथ आर यूक्रेन इंपोर्ट फ्रॉम वेरी हाईली पेडिग्रीड,
और फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कैनल वर्ल्ड वाइड. और इसका जो फादर था, जो ऑडी जिसका नाम था, वो भी ही इज़ अ सन ऑफ वर्ल्ड विनर, थ्री टाइम वर्ल्ड विनर प्लस यूरो विनर. ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कैनल वर्ल्ड वाइड. तो इससे आप लोग जज कर सकते हैं कि कितने हाईली पेडिग्रीड जो है ना पिगलीज केशव के पास हैं. जी, तो ये जो कॉम्बिनेशन अभी पपी का है वो भी पेरेंट्स इसके दोनों ही बहुत अच्छे. हाँ, दोनों पेरेंट्स मेरे पास ही है और दोनों के दोनों बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हाईली पेडिग्रीड फ्रेंड्स. अच्छा, एक जिस पपी के बारे में मैंने बताया था आपको कि एक ही पपी हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक एक साल हो गया है, एक साल बाद हमारे पास एक नया मेम्बर आया है. तो ये भी पपी मैं ही रिटेन करूँगा और इसका हाँ हाँ और मेरे बच्चों ने जो मेरे ऑडी को मिस कर रहे थे तो मेरे बच्चों ने ही इसका नाम भी ऑडी ही रखा है. तो इट्स अनदर ऑडी इन आर फैमिली. तो होप फॉर द बेस्ट डेफिनेटली. जी, थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि पेट क्वालिटी और शो क्वालिटी जो है ना पपीज में जी क्या फ़र्क होता है? सर देखिए, जो पेट क्वालिटी जितने भी हैं उनका पेरेंटेज का कोई हमें पता ही नहीं है कि क्या है, ब्लड लाइन क्या है. और मोस्टली जितने भी पेट क्वालिटीज जिनके पास लोग, ऐसा नहीं है कि पिकनीज लोगों के पास नहीं है, पिकनीज है लोगों के पास, उसमें से 99% मिक्स ब्रीड्स हैं. मिक्स इन द सेंस, मिक्स इन द सेंस वो ब्रीड स्टैंडर्ड में, ब्रीड स्टैंडर्ड के काफ़ी दूर हैं. अब जैसे ये देखिए, इसका हेड, उनका मज़ल होगा कम से कम इतना लंबा लंबा बाहर निकला हुआ. बाइट मोस्टली ख़राब, एक पिकनीज की बाइट देखिए, ये देखिए, इट्स अ परफेक्ट बाइट, परफेक्ट बाइट. बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी और प्राइस को जो है ना डिसाइड करती हैं. और मिक्स ब्रीड्स वगैरह जितने भी जो पेट क्वालिटी है उनके कोट कभी इतना बड़ा आएगा नहीं, चाहे हम उसको कितना अच्छा से अच्छा फीड खिला लें, कितना अच्छा सप्लीमेंट्स दे दें, कितना भी आप ब्रशिंग कर लें, उनका बाल इतना बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो उनके जेनेटिक्स में है ही नहीं. तो क्वालिटी इसीलिए सर, सारा का सारा क्वालिटी इसीलिए मेंटेन करता है. और अगर इतना इजीली अवेलेबल हो रहा होता तो हम लोग क्यों इतनी मेहनत करते हैं उस ब्रीड को, उस पैशन को कंटिन्यू रखने के लिए. हम लोग चाहते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में ऐड करें, ताकि हमारा पपी जो है, क्योंकि सर मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपने पिकनीज को, एक मेरा होम ब्रीड पिकनीज हो, मेरी घर का जो भी पिकनीज हो, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज करूँ अपने ब्रीड स्टैंडर्ड से, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मेंटेन करके रखूँ इंडिया में भी, ताकि लगे कि हाँ यार इंडिया में भी एक पिकनीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किसी ने मेंटेन किया है. ये मेरा पैशन है, मेरा लव है, मेरा ड्रीम है. अच्छा, अगर कोई पपी जैसे लेता है जी, वो ले कहीं से अच्छे जो है ब्रीडर से लेके आता है जी, तो थोड़ा सा उस बिगनर को जो है ना थोड़ा गाइड करिए कि उस पपी की केयर से लेके एडल्टहुड तक उसको क्या खाना देना चाहिए और कैसे उसको रखना चाहिए. सर हम अगर कोई भी पपी लेके आते हैं तो सबसे पहले ये है कि हम जहाँ से भी पपी लेके आ रहे हैं हमें ब्रीडर से कन्फर्म करना पड़ेगा पहले कि ब्रीडर उसको क्या फीड कर रहा है. बिल्कुल. और कोशिश करें कि 2 महीने से छोटा पपी स्पेशली टॉय ब्रीड्स में ना लें. क्योंकि वो मदर के साथ रहेगा और मदर के साथ ही उसका रहना ठीक है, क्योंकि मदर फीडिंग वगैरह करना, और जब तक ब्रीडर के घर से वो प्रॉपर सेल्फ फीडिंग करना ना शुरू करे, पपी वैक्सीनेटेड होना चाहिए, प्रॉपर डिवॉर्म्ड होना चाहिए टाइमली, और सेल्फ फीडिंग करना चाहिए, तभी आप लेके. जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप किसी भी पपी को अपने घर में अगर आप लेके आते हैं तो ये आपके लाइफ मेंबर रहेगा. इसकी लाइफ 14 साल 15 साल जो भी जितने भी है, आप चाहेंगे कि ये खुश रहे, हैप्पी रहे और आपके साथ जब तक है जब तक टिक रहे. आप जल्दी ले आएंगे, उसको हेल्थ इश्यूज रहेगा, फिर आप अननेसेसरी वेट के पास जाएंगे, उसको ट्रीटमेंट, वो फिर थोड़ा सा पेनफुल है सबके लिए, क्योंकि हमारे घर का मेंबर जैसा है उसको भी अगर आप वैसे ही अगर आप मानेंगे तो आपको, आपके लिए पेनफुल रहेगा. तो इसीलिए आप जब भी कोशिश करें 2 महीने से छोटा पपी ना लें, और टाइमली उसको जो ब्रीडर उसको फीड करा रहे हैं वही आप फीड इसको कंटिन्यू रखें. टाइमली ईयर आइज़ क्लीनिंग, ईयर क्लीनिंग, नोज़ वाइप्स, ये सब आपको रेगुलर रखना है. और ब्रशिंग वगैरह जो है बचपन से ही आप इसको थोड़ा थोड़ा रेगुलर रखें, शुरू से ही पपी स्टेज से ही, शुरू से ही अगर आप उसको आप वो कंटिन्यू रखेंगे तो पपी भी यूज्ड टू रहेगा. अगर आप एकदम से किसी डॉग को अगर आप ब्रश दिखा देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा.
नहीं, और जैसे लोग नहीं करते हैं ग्रूम, और पता लगा जब वो बिल्कुल ही शैबी हो जाता है और उसमें नॉट्स पड़ जाते हैं तब लोग जो बहुत है शुरू करते हैं। और उस टाइम पे करने से क्या है ना, डॉग के जो बाल जब खींचते हैं तो डॉग डरता है, डॉग डरता है, पेन होता है, तो पेन से क्या है ना वो ब्रश देखते ही भागेगा, तो वो फिर उस पपी के लिए डॉग के लिए अनकंफर्टेबल है। बचपन से यूज टू रखें प्रॉपर टाइम से नेल ट्रिमिंग करना और ब्रशिंग करना, ग्रूमिंग करना, ये सब, और तो उसमें क्या डॉग ठीक रहेगा। अब केशव जी हमें पेकिनीज को ग्रूम करके दिखाएंगे। ये देखिए टेल, क्योंकि इसके हेयर्स काफ़ी होते हैं टेल्स पे, इन्होंने रबर बैंड से इसको बांधा हुआ था, अभी इसको जो है वो रबर बैंड हटा रहे हैं ताकि इसकी टेल को ग्रूम किया जा सके, क्योंकि एक लॉन्ग हेयर्ड ब्रीड है तो इसके हेयर्स को थोड़ा सा जो है टाइंग करना पड़ता है। तो ये नॉट्स जो रबर बैंड्स लगे थे वो हटा दिए हैं। ड्राई ब्रश नहीं करना चाहिए, तो इसलिए जो है एक कोई भी मॉइस्चराइज़र स्प्रे, प्रेफरेबली विद कंडीशनर हो जो कि थोड़ा सॉफ्टनिंग करे कोट का, उसको यूज़ करना चाहिए। ये देखिए आप इसको स्प्रे कर रहे हैं एक, ताकि इसका जो हेयर है वो मॉइस्ट हो जाए, ताकि हम जब इसको ब्रश करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये पिन ब्रश है, अब आप देखिए इसको जो है कैसे ब्रश को यूज़ करते हैं एक पेकनीज को ग्रूम करने के लिए। अब ये टेल्स जो है इसको ब्रश करके स्ट्रेट कर रहे हैं, आप देखिए कितना हेयर्स होता है टेल्स पे। अब आप अगर इसको रेगुलर यानी डेली एक बार ब्रश कर रहे हैं तो इसमें नॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नॉर्मली नॉट्स बनते हैं वो एक अनमैनेज्ड डॉग में ही होता है, जिसमें कि जो है वो रेगुलर ब्रशिंग नहीं होती है और महीनों के बाद जो है उसको जब ब्रश करने जाते हैं तो पूरे नॉट्स बन जाते हैं, अल्टीमेटली जो है ना उसको फिर हमें शेव करना पड़ता है, पूरा क्लीन करके हटाना पड़ता है बाल को। और अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करेंगे इस तरह से तो कोई भी लॉन्ग हेयर ब्रीड है उसको आप अच्छे से उसके कोट को मेंटेन कर सकते हैं। इवन टमी एरिया में भी हेयर्स होते हैं तो उस पर भी स्प्रे करके नीचे भी जो है वो ब्रश करना चाहिए। तो आप देखिए हेड से लेके टेल एंड एब्डोमिनल एरिया पूरा जो है प्रॉपर तरीके से ब्रश किया गया है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। और एक बहुत बड़ी लर्निंग है फ्रेंड्स की, देखिए अल्टीमेट कुछ भी नहीं होता है, और 20 साल देखिए 25 साल एक ब्रीड को रखने के बाद भी अगले के अंदर एक जज्बा है सीखने का, तो सीखने का जो है ना वो समय कभी भी एंड नहीं होता है। हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम क्या नया और सीख सकते हैं, हम क्या और नया ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है ना हम एक ब्रीड को और एक बेटर लेवल पे लेके जा सकें जी। तो ये बहुत अच्छी सोच है, और मेरे ख्याल से ये सोच की वजह से ही जो है आप एक अच्छे जो है ना टेक्निकल स्टैंडर्ड पे आप इस ब्रीड को लेके आए हैं। थैंक यू सर। मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरे जो है डॉग्स ज़रा फैमिली की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं आपको, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो आपका डेडिकेटेड वर्क रहा है पिछले 20-25 साल में वो एक आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ब्रीड करके आप अपने पपीज को बाहर विदेशों में भी आपने भी इंपोर्ट किए हैं, मेरे ख्याल से आगे आप एक्सपोर्ट करें। सर मैंने कुछ एक्सपोर्ट भी करे हैं। अरे वाह, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। सर मैंने दुबई में दिया है पपी, श्रीलंका में दिया है, और हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में भी दिया है। हाँ, तो देखिए ये है ना, जब एक स्टैंडर्ड अच्छा होता है तो हमारे ब्रीडिंग इंडिया से ब्रीड किया हुआ पपी जो है विदेशों में भी उसकी डिमांड होती है, तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपके अपने ब्रेड किए हुए ब्रेड इन इंडिया पपी जो है वो दुबई, श्रीलंका और पाकिस्तान में जो है वो प्लेस है। और अभी हम इसको जो है कैसे शो करते हैं, शो ग्राउंड में कैसे प्रेजेंट करना होता है इस ब्रीड को, वो हम देखेंगे अभी ग्राउंड में, इसको लॉन में ले जाके। जो भी टॉय ब्रीड होती है
उनको जज जो है वो टेबल पे स्टैक करके ही जज करते हैं, तो इस तरह से जो है इनको टेबल पे रखा जाता है। और ज़रा स्टैक करके दिखाइए, ये देखिए इसका टेल जो है ऊपर रहेगा, और जैसे इन्होंने पकड़ा है इस तरह से इसको जो है इस ब्रीड को प्रेजेंट करना होता है किसी भी डॉग शो में जज के सामने। डॉग को शो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो है उसकी लीश, उसकी रस्सी को लगाना। तो पेकनीज़ में लीश को कैसे लगाना है वो अब आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने बाल को एक राउंड हेयर को एक तरह से पकड़ा है, और अब ये लीश को जो है वो किस तरह से गले में डाल रहे हैं। ये इस तरह से लगा के फिर आप इसको ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर लीश आप नई डॉग के गले में डालेंगे तब तक वो डॉग जो है ना कंफर्टेबल नहीं होगा और रिंग में मूवमेंट करने में प्रॉब्लम करेगा। तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ लीश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है डॉग को शो करने के लिए। एक बार फिर से यू वेलकम सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है ना आपने ऑलरेडी इतना जस्टिस किया है इस ब्रीड के लिए, और आगे भी आप बहुत ही ऊंचाइयों तक इसको लेके जाएंगे। डेफिनेटली सर। प्लीज आप हमारा चैनल डॉग्स एरा फ्रेंड्स DOGS डॉग्स एरा ERA इसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो डॉग्स एरा आपको मिलेगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जो भी लेटेस्ट पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।